हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और आपको अभी तक फर्स्ट पार्ट इसका बेसिक पार्ट नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके आप इसका सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और इसके बेसिक पार्ट देख सकते हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप बिल्कुल नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 10π/4 + x / 10π/4 - x, मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला कराया था। आपको याद होगा कि 10π/4 + x का जो फॉर्मूला होता है वो 1 + 10x, 1 - 10x, और 10π/4 - x का जो फॉर्मूला होता है वो 1 - 10x / 1 + 10x। दीज आर टू फॉर्मूलेस। अगर मैं इसमें पुट करूं तो 1 + 10x / 1 - 10x, इसका 1 - 10x / 1 + 10x, ये फॉर्मूला, ठीक है। बस हमने ये दो फॉर्मूला लगाए जो मैंने पिछली क्लास में सिखाए थे आपको बेसिक में, पिछले से पिछली क्लास में। अब देखो इसमें हम करेंगे क्या। अब देखो, आपको पता है कि ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये तो आ जाएगा 1 + 10x² और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1 - 10x² और लिखेंगे क्या इसे हम 1 + 10x / 1 - 10x². दिस इज द आंसर। कोई मुश्किल था ये क्वेश्चन? नहीं था। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें क्या लिखा हुआ है। cos π/4 + x, अगर हम क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करें तो ये पाई होता है, ये π/2 और ये 3π/2 होता है। इसमें tan थीटा, cot थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव। अगर पाई में कुछ भी ऐड करेंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ बोल रहा है पाई प्लस एक्स, तो पाई प्लस एक्स पाई पे और 2π पे हमारा एंगल फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो पाई प्लस एक्स में कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन बैठे होते हैं, किनका राज है, टेन थीटा कॉट थीटा का। कॉस थीटा तो यहाँ पे आ नहीं सकता, लेकिन वो आ जाता है तो उसके साथ क्या होगा, नेगेटिविटी होगी। तो नेगेटिविटी होगी तो इसका मतलब क्या होगा, ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, अब साइन पाई माइनस एक्स मतलब पाई में से कुछ भी ऐड करूंगा तो कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, सेकंड में, और पाई पे हमारा फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता किनका राज होता है, इसी का होता है, साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा। इसका मतलब साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये आ जाएगा साइन एक्स। अब कॉस 90 - x, अब हमें पता है 90 में तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, पहले तो ये साइन एक्स हो जाएगा। इसके बाद 90 में कुछ भी ऐड करता हूँ तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। सेकंड में साइन कोसेकेंट का तो राज होता है, लेकिन कॉस का राज, इस कॉस का राज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया और नीचे साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब देखते हैं ये नाइन्थ क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कॉस 3π/2 + x, हमें पता है 3π/2 पे क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा, तो ये साइन हो जाएगा। और 3π/2 में कुछ भी ऐड करूं वो कौन से क्वाड्रेंट में जाने वाला है, फोर्थ में। फोर्थ में बैठे कौन रहते हैं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ही बैठा हुआ है यहाँ पे, तो कॉस 3π/2 साइन एक्स ही होगा, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कॉस 2π, देखो 2π में हम कुछ भी ऐड करें वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें पता है सारे पॉजिटिव होते हैं और फंक्शन भी चेंज नहीं होता है, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स। कॉट 3π/2 + x को लिखोगे तो ये आ जाएगा, अब 3π/2 है तो पहले तो ये 10 हो जाएगा, और देख सकते हो आप 3π/2 ये माइनस एक्स होगा यहाँ पे। अब 3π/2 - x, अब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है आपके, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉट होता कैसा है, पॉजिटिव ही होता है। इसके बाद यहाँ पे 2π + x, अब 2π + x का मतलब क्या है, जितने भी हैं वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहेंगे, तो कॉट भी क्या रहेगा, अपना कॉट एक्स ही रहेगा। इसको अब क्या लिखेंगे हम, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और टेन एक्स को लिखेंगे हम साइन एक्स बाय कॉस एक्स, प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस एक्स बाय साइन एक्स इक्वल्स टू, देखते हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एलसीएम ले लोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हमने पढ़ा हुआ था ना 10th क्लास के अंदर, कभी भी टेन कॉट दिख जाए उसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, अब साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1, तो इसे ही इसका। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉस ए कॉस बी,
साइन ए साइन बी, हमें पता था कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो साइन बी। तो अब देखते हैं आगे, यहां पे ए जो है हमारे पास वो है एन प्लस वन इंटू एक्स, जो बी है हमारे पास वो क्या है एन प्लस टू इंटू एक्स। अगर मैं इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, कॉस एन प्लस वन इंटू एक्स माइनस एन प्लस टू इंटू एक्स, इसको आगे क्या लिख सकते हैं हम, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं ये हो जाएगा एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस टू एक्स। तो आप देख सकते हो एन एक्स से एन एक्स कैंसिल हो गया और कॉस एक्स माइनस टू एक्स क्या बचेगा माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, कॉस माइनस एक्स क्या बन जाएगा हमारा कॉस एक्स बन जाएगा। तो बस यही आंसर था हमारे पास। ठीक है बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11th में देखो कॉस माइनस कॉस, हमने फॉर्मूले पढ़े थे कुछ, याद होना चाहिए आपको, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला था माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। तो हमें ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे माइनस टू साइन, इन दोनों का एडिशन मतलब थ्री बाय फोर प्लस एक्स प्लस थ्री बाय फोर माइनस एक्स डिवाइड बाय टू और फिर साइन थ्री बाय फोर प्लस एक्स माइनस थ्री बाय फोर और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये आपको ये स्टेप समझ आया होगा, नहीं आया तो कमेंट करें आप। ये एक्स से एक्स कट जाएगा और थ्री बाय फोर से थ्री पाई बाय फोर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा माइनस टू साइन थ्री पाई बाय फोर, थ्री पाई बाय फोर आपका हो जाएगा सिक्स पाई बाय फोर। ठीक है, यही होगा थ्री पाई बाय फोर, थ्री बाय फोर सिक्स पाई बाय फोर और अपॉन में टू, यहाँ पे साइन एक्स प्लस एक्स ये टू एक्स डिवाइड बाई टू, ये टू से टू कैंसिल हो गया, इसका दिया आ गया माइनस टू साइन, इसे सॉल्व करेंगे तो टू से जाएगा थ्री पे, तो साइन थ्री पाई बाय फोर और ये साइन एक्स, अगर मैं साइन थ्री पाई बाय फोर की बात करूँ तो ये 135 डिग्री होगा। ठीक है, और 135 डिग्री क्या लिख सकते हैं हम, टू साइन 90 इंटू वन प्लस 45। अब पता है साइन 90 पे चेंज तो होगा लेकिन वन प्लस का मतलब कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, तो ये साइन नहीं कॉस 45 हो जाएगा क्योंकि ऑड है और इनटू में साइन एक्स। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, वन बाय रूट टू इंटू साइन एक्स, तो आंसर जो आएगा आपका इसे सॉल्व करोगे, देखो टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट टू इंटू रूट टू अपॉन में रूट टू इंटू साइन एक्स, तो रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया तो रूट टू साइन एक्स, दिस इज द आंसर, रूट माइनस रूट टू साइन एक्स, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। अब देखते हैं इसमें ये फॉर्मूला लगाएं तो ए की वैल्यू आप देख सकते हो क्या है, सिक्स एक्स है, बी की वैल्यू क्या है फोर एक्स है, लगा दो फॉर्मूला साइन ए प्लस बी मतलब सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स और साइन ए माइनस बी सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स, तो ये तो आ जाएगा साइन टेन एक्स और ये साइन टू एक्स। इसका अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 13, तो वो लिखा है कॉस स्क्वायर टू एक्स, कॉस स्क्वायर टू एक्स माइनस कॉस स्क्वायर सिक्स एक्स इक्वल्स टू कॉस फोर एक्स, नहीं साइन फोर एक्स और साइन एट एक्स, साइन फोर एक्स और साइन एट एक्स। देखो हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा था कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हमारे पास साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये सेम फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को अगर मैं करना चाहूँ तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है बताओ फटाफट, सिक्स एक्स, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे टू एक्स, तो अगर मैं इस फॉर्मूले में लगाऊँ तो साइन सिक्स एक्स प्लस टू एक्स और साइन सिक्स एक्स माइनस टू एक्स, तो ये आ जाएगा साइन एट एक्स और साइन फोर एक्स, तो यही इसका आंसर है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम इस पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।